नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले काफी लंबे समय से अलग अलग पेंडिंग पड़े केसों में सही तरीके से जांच ना करने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल बिज ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्री अनिल बिज ने राज्य भर में 372 जांच अधिकारियों यानी आईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का सोमवार को निर्देश दिया। बता दें, पिछले एक साल से 3229 केस पेंडिंग थे। फिलहाल गृह मंत्री ने डीएसपी को सारे केस सौंप दिए हैं, साथ ही उन्हें एक महीने में केसों को निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। बिज ने लंबित मामलों को एक महीने के भीतर अंतिम निस्तारण के लिए संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों को भेजने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतनी अधिक संख्या में पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी करने के अभूतपूर्व कदम को उचित ठहराते हुए अनिल बिज ने कहा कि मैं काफी समय से अधिकारियों से लंबित मामलों को निपटाने के लिए कह रहा था, यह एक गंभीर मुद्दा है। वहीं एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोमवार को पुलिस महानिदेशक को संबोधित एक पत्र में अनिल बिज ने राज्य के विभिन्न जिलों में 372 आईओ को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अनिल बिज ने पत्र में कहा कि पिछले महीने मैंने आदेश दिए थे कि उन सभी आईओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए जिन्होंने एक साल में प्राथमिकियों को निपटान नहीं किया है।